हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ा जो कि बारिश के मौसम में मिल जाए तो क्या बात है। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने मूंग का दाल लिया है, ये बिना छिलके वाली दाल है जो हम ऐसे घर में रोज़ बनाते हैं, वो वाली दाल है ये। हमने एक कप वो वाली दाल ले ली है। अब इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे पानी से दो या तीन बार। देखिए हमने पानी से इसको धो लिया है अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें पानी डालकर हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। पानी डालकर इसको ढककर रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगा। उसके बाद इसका हम पकौड़ा बनाएंगे। देखिए ये फूल गया है, इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे अच्छी तरह से इसका पानी निकाल कर, और उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। ये बिना पानी का पीसिए क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी है। देखिए हमने इसको पीस लिया है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्च, और करी पत्ता ड्राई, थोड़ा सा कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। आप इसमें कसूरी मेथी और करी लीव्स ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद इसका पकौड़ा बनाएंगे। देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। अब हम ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फिर पकौड़ा का बैटर जो है हमने मिक्सर में बनाया है, हैंड से थोड़ा थोड़ा लेकर छोटे साइज का इसमें डालेंगे। इस टाइम पर आप फ्लेम को मीडियम ही रखें जिससे कि ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और जलेगा नहीं जल्दी, अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगा। जब ये सेट हो जाए फिर इसको पलटें। ये बहुत ही क्रंची बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अगर बच्चों के लिए बनाना है तो आप ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं। अगर हल्का सा स्पाइसी खाते हो तो फिर एक मिर्च डालकर आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को भी पसंद आता है। और बारिश के मौसम में शाम के टाइम में चाय के साथ तो आप ये इंजॉय कर सकते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाता है। देखिए अब ये फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। बस जो भी टाइम लगता है दाल को सोख होने में ही लगता है, क्योंकि वो तो इम्पॉर्टेंट है। 3 से 4 घंटा लगेगा, बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब एक बैच और हम फ्राई करते हैं पकौड़ा का, बिल्कुल सेम प्रोसेस। ऑयल को हीट कीजिए हाई फ्लेम पर, फिर फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। उसके बाद पकौड़ा को मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। ये मिंट चटनी के साथ, केचप के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। और बारिश के टाइम में तो क्या ही, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा बारिश के टाइम बनाएंगे तो। बस पकौड़ा फ्राई हो गया है, देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से सॉफ्ट है। इसे आप चटनी के साथ या केचप के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी बनता है। ऐसे ही इजी और डिलीशियस रेसिपी के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी। और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। थैंक यू।